Welcome class. In this lecture we will discuss about the circular tank. What is circular tank, how it is designed and what are the different caudal provisions. Okay, circular tank, we will discuss about some new term, that is liquid retaining structure. Okay, liquid retaining structure, it is a general term used or applied to underground tanks, overhead tank, reservoir and even dams. Liquid retaining structure वो structure है या वो term है जिसको हम लोग water से related जो भी structures होते हैं, ठीक है, water से related जो भी structures होते हैं उनके लिए हम लोग use करते हैं, ठीक है, जैसे आपका for example underground tank हो गया, overhead tank हो गया, reservoir हो गया और डैम हो गया, ठीक है. तो जो भी लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर होगा वो आप लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर होगा वो किससे रिलेटेड होगा, किसी न किसी लिक्विड, यहाँ पे हम पर्टिकुलरली वाटर की बात करेंगे, ठीक है. इट कैन हैव अ सर्कुलर शेप और ए रेक्टेंगुलर शेप प्लान, ठीक है, दो तरह के प्लान हो सकते हैं, एक सर्कुलर शेप हो सकता है और एक रेक्टेंगुलर शेप भी हो सकता है, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे पर्टिकुलरली हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर टैंक के बारे में, ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर टैंक, ठीक है. तो वाटर टैंक का क्लासिफिकेशन दो चीज पे है, एक है बेस्ड ऑन एलिवेशन, ओके, और एक है बेस्ड ऑन शेप. तो बेस्ड ऑन एलिवेशन मतलब वाटर टैंक एलिवेशन के अकॉर्डिंग कैसा होता है, तो फर्स्ट इज अंडरग्राउंड, सेकेंड इज रेस्टिंग ऑन ग्राउंड और थर्ड इज एलिवेटेड, ठीक है. तो अंडरग्राउंड टैंक का मतलब कि आपका ग्राउंड है, इसके अंदर ये वाटर टैंक होगा, ये हो जाएगा अंडर ग्राउंड टैंक, ठीक है, ये आपका क्या है, सरफेस है, ठीक है, सरफेस दैट इज सॉयल सरफेस, ठीक है. तो ये फर्स्ट केस हो गया आपका अंडरग्राउंड वाटर टैंक का, ठीक है. सेकंड आपका आता है रेस्टिंग ऑन ग्राउंड, सेकंड आपका क्या है, रेस्टिंग ऑन ग्राउंड मतलब ये आपका सॉयल सरफेस है, इसके ऊपर टैंक बना रहेगा, तो इस तरह के टैंक को क्या बोलेंगे, रेस्टिंग ऑन ग्राउंड, ठीक है, क्या बोलेंगे, रेस्टिंग ऑन ग्राउंड, ठीक है. थर्ड आपका कंडीशन आता है एलिवेटेड का, तो एलिवेटेड के केस में फॉर एग्जांपल एलिवेटेड के केस में इस तरीके से आपके टैंक बनेंगे, ठीक है. सपोज ये आपका वाटर टैंक, ये आपके क्या है, कॉलम्स, मतलब सॉयल सरफेस से, ये अगर सॉयल सरफेस है तो सॉयल सरफेस से कुछ डिस्टेंस पे, कुछ हाइट पे, ये क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, एच हाइट पे अगर टैंक बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिवेटेड वाटर टैंक, ठीक है. तो पहला क्लासिफिकेशन आपका था बेस्ड ऑन एलिवेशन, तो अंडरग्राउंड, रेस्टिंग ऑन ग्राउंड और एलिवेटेड, ठीक है, रेस्टिंग ऑन ग्राउंड और एलिवेटेड. नेक्स्ट आता है आपका बेस्ड ऑन शेप, तो शेप के बेस में फर्स्ट कंडीशन जो है आपका क्या है, सर्कुलर या सिलेंड्रिकल, ठीक है. तो ये इस तरह से एक टैंक होती है, ठीक है, ये आपका, ये जो शेप है ये क्या हो गया, सर्कुलर हो गया, ठीक है, ये आपका सर्कुलर और इसको हम लोग सिलेंड्रिकल वाटर टैंक भी बोलेंगे, ठीक है, इसको सर्कुलर और सिलेंड्रिकल वाटर टैंक बोलेंगे, ओके, इस तरह से हो जाएगा. नेक्स्ट आपका आता है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, मतलब रेक्टेंगल के शेप में होगा, ठीक है, एक शॉर्ट वॉल होगा, या तो ये रेक्टेंगल होगा या फिर ये स्क्वायर के शेप में होगा, ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ये हो जाएगा आपका रेक्टेंगल और ये हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर के शेप में हो सकता है. थर्ड आपका आता है इंच, इंच वाटर टैंक, तो इसमें देखिए क्या होता है, इस तरीके से ये शेप होता है, इस तरह के वाटर टैंक को हम लोग बोलते हैं
इंच वाटर टैंक, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये डोम होता है, ठीक है, ये आपका कॉनिकल सेक्शन होता है, कॉनिकल सेक्शन होता है, ठीक है। ये होता है डोम स्ट्रक्चर, ये होता है आपका कॉनिकल। तो इस तरह के वाटर टैंक को हम लोग क्या बोलते हैं, इंच वाटर टैंक, ठीक है। तो दो बेसिस पे आपका क्लासिफिकेशन हो गया, आपका एलिवेशन के बेस पे हो गया आपका अंडरग्राउंड, रेस्टिंग ऑन ग्राउंड और एलिवेटेड। बी शेप के हो गया सर्कुलर, सिलेंड्रिकल या सर्कुलर सिलेंड्रिकल, देन रेक्टेंगुलर, देन इंच वाटर टैंक, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं कोडल प्रोविजंस ऑफ IS 337 2009, ठीक है। मतलब वाटर टैंक के लिए, ठीक है, वाटर टैंक के लिए जो IS कोड है, वाटर टैंक के लिए IS कोड 337 2009 यूज़ करते हैं, पार्ट 1-4, चार पार्ट इसके हम लोग यूज़ करेंगे 1-4, ठीक है। तो इसके कुछ कोडल प्रोविजंस हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट मस्ट बी लीस्ट, सो यूज लेसर वैल्यू ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है। परमेबिलिटी कंक्रीट की कम होनी चाहिए, सो हम लोग क्या करेंगे, वाटर सीमेंट रेशियो की वैल्यू क्या करेंगे, कम रखेंगे, ठीक है। नो पोरस एग्रीगेट शुड बी यूज, कोई भी पोरस एग्रीगेट यूज नहीं होगा, ठीक है। नो पोरस एग्रीगेट शुड बी यूज। थर्ड, पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर रिटेनिंग लिक्विड एंड इनक्लोजिंग स्पेस अबव लिक्विड शुड बी टेकन अंडर सीवियर एक्सपोजर कंडीशन, ठीक है। तो इस पॉइंट का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट का मतलब ये है कि आप जो भी वाटर टैंक डिज़ाइन करेंगे तो उसमें जो लिक्विड है, जो स्ट्रक्चर, जो पार्ट लिक्विड रिटेन कर रहा है या स्पेस जो आपका खाली बचता है, सपोज़ फॉर एग्जांपल हम वाटर टैंक बनाएंगे तो इस तरह से अगर वाटर टैंक बना रहे हैं तो लिक्विड यहीं तक रहेगा, ठीक है। ये आपका लिक्विड सेप रहेगा, ये क्लोज है तो ये आपका खाली बच जाएगा और ये जो है आपका रिटेन करेगा लिक्विड। तो दोनों स्पेस, दोनों जो स्ट्रक्चर आएंगे वो आपका सीवियर एक्सपोजर कंडीशन में आएगा, किस में आएगा, सीवियर एक्सपोजर कंडीशन में, ठीक है। तो हम लोग जो भी वाटर टैंक डिज़ाइन करेंगे वो किस में करेंगे, सीवियर एक्सपोजर कंडीशन में। नेक्स्ट, मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट इज 400 केजी पर मीटर क्यूब टू टेक केयर ऑफ श्रिंकेज इफेक्ट, ठीक है। तो श्रिंकेज इफेक्ट को देखने के लिए या उससे बचाव के लिए, उसको रजिस्ट करने के लिए हम लोग जो मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट यूज़ करेंगे वो क्या हो गया, 400 केजी पर मीटर क्यूब होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम सीमेंट कंटेंट फॉर आरसीसी टैंक, आरसीसी टैंक के लिए मिनिमम सीमेंट कंटेंट क्या होगा, 320 केजी पर मीटर क्यूब होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम सीमेंट कंटेंट फॉर आरसीसी टैंक इज 320 केजी पर मीटर क्यूब। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज M30, ठीक है। वाटर टैंक या लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने के लिए जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट होगा वो हमारा क्या होगा, M30 होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो इज 0.45। जो हम लोग वाटर सीमेंट रेशियो यूज़ करते हैं आरसीसी टैंक या कोई भी आरसीसी के स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो वाटर टैंक के केस में हम लोग जो मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो होगा वो कितना होगा, 0.45, ओके। नेक्स्ट, मिनिमम नॉमिनल कवर इज 45 mm, जो कवर हम लोग देंगे वो कितना होगा, 45 mm होगा मिनिमम। मैक्सिमम अलाउड क्रैक विड्थ इज 0.2 mm इन LSM, जो क्रैक विड्थ होगी, जो स्ट्रक्चर में क्रैक आएगा उसकी जो विड्थ होगी वो हमारा 0.2 mm तक हम लोग अलाउ करेंगे, ठीक है। मतलब 0.2 mm की मेजरमेंट तक हम लोग क्रैक विड्थ अलाउ करेंगे, उसके बाद हम उस वाटर टैंक को क्या करेंगे, फेल कंडीशन में अज्यूम कर लेंगे और उसको हम लोग रीडिज़ाइन करेंगे या उस स्ट्रक्चर को कोलैप्स करके नया स्ट्रक्चर वहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, टू रिड्यूस क्रैकिंग ड्यू टू टेम्परेचर श्रिंकेज एंड मॉइस्चर लॉस एट अर्ली स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट, क्यूरिंग शुड बी डन फॉर नॉट लेस देन 14 डेज, ठीक है। तो क्रैकिंग से बचाव के लिए, क्रैकिंग को कम करने के लिए
और क्रैकिंग किसकी वजह से जनरेट होगा आपका? ड्यू टू टेम्परेचर श्रिंकेज या मॉइस्चर लॉस, ये तीन आपके बोल सकते हैं कि फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से क्रैक जनरेट होता है, टेम्परेचर श्रिंकेज या मॉइस्चर लॉस। इनको कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि क्यूरिंग कम से कम 14 डेज की क्यूरिंग करेंगे, ठीक है। क्यूरिंग जो करेंगे वो 14 डेज की करेंगे। क्रैकिंग ऑफ कॉन्क्रीट कैन बी कंट्रोल टू सम एक्सटेंड बाय मेंटेनिंग स्लो फिलिंग रेट ऑफ 1 मीटर इन 24 आवर्स एट द फर्स्ट टाइम ऑफ फिलिंग। तो इस पॉइंट में ये बताने की कोशिश कर रहा है कि क्रैकिंग को हम एक और तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं कि जब हम लोग फर्स्ट टाइम उस पर्टिकुलर टैंक में वाटर फिल करें तो क्या करें कि 1 मीटर 24 आवर में फिल करें, मतलब एक मीटर हाइट तक की पानी भरने के लिए हम लोग कम से कम 24 आवर्स का टाइम लें, जिससे कि क्या होगा, क्रैकिंग कंट्रोल होगी हमारा उस पर्टिकुलर वाटर टैंक में, क्योंकि इम्पैक्ट लोड आएगा जब हम लोग वाटर फिल करेंगे तो आपको उस आरसीसी टैंक में क्या होगा, इम्पैक्ट लोड जनरेट होगा जिसकी वजह से क्या होगा, क्रैकिंग के चांसेस रहेंगे। तो उस क्रैकिंग को रिड्यूस करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि आप स्लो फिलिंग रेट मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो स्लो फिलिंग रेट कितना होगा, 24 आवर में हम लोग क्या करेंगे, 1 मीटर हाइट तक का ही पानी भरेंगे और ऐसे करके सबसिक्वेंटली हम लोग पूरे टैंक को फिल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल द स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू रिटेन लिक्विड शैल बी डिजाइन फॉर बोथ एम्प्टी एंड फुल कंडीशन। मतलब जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं लिक्विड रिटेन कर रहे हैं वो क्या होंगे कि एम्प्टी और फुल कंडीशन दोनों में डिज़ाइन किए जाएंगे। मतलब जब वो टैंक खाली हो तब उस पर क्या प्रेशर आ रहा है, क्या हुप टेंशन आ रहा है, क्या फोर्सेज आ रहे हैं, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और जब वो टैंक पूरा फुल रहेगा, मतलब उसमें पूरी तरह से पानी भरा हुआ है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में हमारा क्या क्या इफेक्ट आएगा उसको हम लोग दोनों तरीके से डिज़ाइन करेंगे। तो ऑल द स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू रिटेन लिक्विड शैल बी डिज़ाइन फॉर बोथ एम्प्टी एंड फुल कंडीशन। नेक्स्ट इज परमिसिबल स्ट्रेस। तो इन स्टील, इन केस ऑफ स्टील, माइल्ड स्टील 115 न्यूटन पर mm² इज द परमिसिबल स्ट्रेस। एंड देन इन HYSD बार मीन्स, HYSD का फुल फॉर्म होता है हाई यील्डिंग स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स, ठीक है। तो इस केस में आपका 130 न्यूटन पर mm² होगा। और इन केस ऑफ कॉन्क्रीट दे आर टू टाइप्स ऑफ टेंशन, वन इज डायरेक्ट टेंशन एंड अदर इज बॉन्डिंग टेंशन। तो इन दोनों टेंशन्स की वैल्यू देखते हैं, M25 के केस में 1.3 न्यूटन पर mm², और बॉन्डिंग के केस में होगा 1.8 न्यूटन पर mm². M30 के केस में देखते हैं तो डायरेक्ट टेंशन आपका 1.5 न्यूटन पर mm² होगा और बॉन्डिंग के केस में 2.0 न्यूटन पर mm² होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, इफ़ द थिकनेस इज मोर देन 200 mm, अगर आपका जो थिकनेस है वो आपका कितना है 200 mm से ज़्यादा है, द रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन टू लेयर्स। जो रिइंफोर्समेंट होगा हम उसको कैसे प्रोवाइड करेंगे, दो लेयर्स में प्रोवाइड करेंगे, वन ऑन ईच फेस, दोनों फेस पे। जैसे हम कोई एक वॉल बनाते हैं, ठीक है, जैसे हम एक वॉल बनाएंगे तो वो इस कंडीशन में होगा, तो इस फेस पे भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे और इस फेस पे भी रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे अगर इसकी थिकनेस क्या होगी 200 mm से ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज मिनिमम स्टील इज 0.64% एंड 0.4% फॉर ऑफ सरफेस जोन फॉर माइल्ड स्टील एंड HYSD रिस्पेक्टिवली। माइल्ड स्टील जो मिनिमम स्टील होगा, माइल्ड स्टील के लिए 0.6% ऑफ सरफेस जोन होना चाहिए और HYSD के लिए 0.4% होना चाहिए। इट कैन बी रिड्यूस टू 0.35% एंड 0.24% फॉर टैंक विथ नो डायमेंशन मोर देन 15 मीटर। मतलब इसके स्टेटमेंट का कहना है, मतलब अगर 15 मीटर से ज़्यादा की डायमेंशन नहीं है तो हम जो मिनिमम स्टील है वो आपका माइल्ड स्टील के लिए 0.3% हो जाएगा और HYSD के लिए 0.4
2-4% तक रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका टॉपिक है जॉइंट्स इन वाटर टैंक। तो फर्स्ट इज मूवमेंट जॉइंट। तो मूवमेंट जॉइंट को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। तो पहला क्या आपका कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा है एक्सपेंशन और तीसरा है स्लाइडिंग। तो पहले हम लोग कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं। तो इट इज़ अ मूवमेंट जॉइंट विथ अ डेलिब्रेट डिसकॉन्टिन्यूटी बट नो इनिशियल गैप बिटवीन द कॉन्क्रीट ऑन आइदर साइड ऑफ द जॉइंट। मतलब कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट कब होता है, जब आपकी डिसकॉन्टिन्यूटी होगी स्टील में, ठीक है। तो ये ऐसा जॉइंट है, ऐसा मूवमेंट जॉइंट है जब आपका डिसकॉन्टिन्यूटी होगी स्टील में, तो उस समय ये पर्टिकुलर जॉइंट होगा। द पर्पज ऑफ दिस जॉइंट इज टू एकोमोडेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कॉन्क्रीट। इस जॉइंट का सिर्फ इतना पर्पज है कि हम लोग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कॉन्क्रीट को एकोमोडेट कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन जॉइंट। इट इज़ अ मूवमेंट जॉइंट विथ कंप्लीट डिसकॉन्टिन्यूटी इन बोथ रिइंफोर्समेंट एंड कॉन्क्रीट एंड इंटेंडेड टू एकोमोडेट आइदर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर। तो एक्सपेंशन जॉइंट आपका वो जॉइंट है, वो जॉइंट जब बनाया जाता है आपका, जब आपका डिसकॉन्टिन्यूटी कॉन्क्रीट और रिइंफोर्समेंट दोनों में हो, ठीक है। रिइंफोर्समेंट और कंक्रीट में दोनों में अगर डिसकॉन्टिन्यूटी होती है तो उस समय हम लोग एक्सपेंशन जॉइंट बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज द स्लाइडिंग जॉइंट। इट इज़ द मूवमेंट जॉइंट विथ कंप्लीट डिसकॉन्टिन्यूटी इन बोथ रिइंफोर्समेंट एंड कंक्रीट एट विच स्पेशल प्रोविजन इज मेड टू फैसिलिटेट रिलेटिव मूवमेंट इन द प्लेस ऑफ जॉइंट। तो स्लाइडिंग जॉइंट से सिंपल लोगों को समझ में आ रहा है कि हम लोग किसी दो कंपोनेंट्स के क्या करें, मूवमेंट की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि दो रिलेटिव मूवमेंट जनरेट करेंगे किसी दो कंपोनेंट्स के बीच में, तो उस पर्टिकुलर जगह पे हम लोग क्या करेंगे, स्लाइडिंग जॉइंट बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कंस्ट्रक्शन जॉइंट। अ जॉइंट इन द कॉन्क्रीट इंट्रोड्यूस फॉर कन्वीनियंस इन द कंस्ट्रक्शन एट विच स्पेशल मेजर्स आर टेकन टू अचीव सब्सिक्वेंट कॉन्टिन्यूटी विदाउट प्रोविजन फॉर फर्दर रिलेटिव मूवमेंट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन जॉइंट। मतलब कंस्ट्रक्शन जॉइंट वहाँ बनाया जाता है जब आपका कि हमको इसके आगे भी वर्क प्रोवाइड करना है, लेकिन प्रेजेंट में उस कोई भी प्रोविजन ना हो कि इसके आगे वर्क होगा नहीं होगा, तो उस पर्टिकुलर स्पेस पर हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन जॉइंट एक कोशिश करते हैं फर्दर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टेम्प्रोरी ओपन जॉइंट। अ गैप टेम्प्रोरली लेफ्ट बिटवीन कॉन्क्रीट ऑफ एडजॉइनिंग पार्ट्स ऑफ ए स्ट्रक्चर विच आफ्टर ए सुटेबल इंटरवल एंड बिफोर द स्ट्रक्चर इज पुट इन टू यूज इज फिल्ड विथ मोर्टार आइदर कंप्लीटली और विद द इंक्लूजन ऑफ सुटेबल जॉइंटिंग मटेरियल्स। मतलब टेम्प्रोरी ओपन जॉइंट्स एक ऐसा जॉइंट है जिसको हम लोग कि क्या करते हैं कि उसको पर्टिकुलर फ्यूचर यूज़ के लिए हम लोग बनाते हैं, ठीक है। अब प्रेजेंट में अगर उसका कोई यूज़ नहीं है तो उसमें हम क्या करेंगे, कोई भी फिलिंग मटेरियल से उसको भर के बंद कर देंगे, लेकिन अगर फ्यूचर में हमको कुछ यूज़ उस पर्टिकुलर जॉइंट का है तो हम लोग क्या करेंगे कि आपका पर्टिकुलर उसको हम लोग क्या करेंगे कि गैप या कुछ भी वर्क करने के लिए उस पर्टिकुलर को वहाँ से निकाल लेंगे और यूज़ करेंगे, ओके। तो टेम्प्रोरली ओपन जॉइंट आपका इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज़ करते हैं कि आपको फ्यूचर में अगर कुछ उस पर्टिकुलर जॉइंट का या उस गैप का यूज़ करना हो तो हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है टैंक सिचुएटेड ऑन ग्राउंड लेवल। अब हम लोग बात करेंगे कि जो टैंक सिचुएटेड होगा ग्राउंड लेवल उसमें, तो टैंक सिचुएटेड इन ग्राउंड लेवल में हम लोग पढ़ेंगे दो कंडीशंस। एक पढ़ेंगे सर्कुलर टैंक, ठीक है, और एक पढ़ेंगे हम लोग रेक्टेंगुलर टैंक के बारे में, ठीक है। तो दो टैंक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एक सर्कुलर पढ़ेंगे एक रेक्टेंगुलर पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं कि हम लोग सर्कुलर के केस में भी दो आएंगे, सर्कुलर टैंक के केस में आपका दो कंडीशन आए, एक आएगा फ्लेक्सिबल जॉइंट, ठीक है, एक आएगा आपका रिजिड जॉइंट, ठीक है, एक आपका आएगा फ्लेक्सिबल जॉइंट, एक आएगा रिजिड जॉइंट। तो दोनों केस में हम लोग देखते हैं कि कैसे डिज़ाइन करेंगे, क्या क्या उसके स्टेप्स हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ले सर्कुलर टैंक। सर्कुलर टैंक ऑन ग्राउंड में बी डिज़ाइन आइदर विद फ्लेक्सिबल कनेक्शन ऑफ द वॉल विथ बेस और विथ ए रिजिड जॉइंट या रिजिड कनेक्शन ऑफ
द वॉल विद द बेस, मतलब सर्कुलर टैंक आपका दो तरीके से डिज़ाइन हो सकता है, एक आपका फ्लेक्सिबल कनेक्शन होगा वॉल का बेस के साथ और एक होगा आपका रिजिड कनेक्शन वॉल का बेस के साथ। नेक्स्ट आता है इनफॉर्मर केस, मतलब फ्लेक्सिबल के केस में एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन वॉल्स का पॉसिबल है, लेकिन आपके रिजिड कनेक्शन में वॉल्स इज मोनोलिथिक विद द बेस। मोनोलिथिक का सिंपल मतलब होता है सिंगल लार्ज स्ट्रक्चर, मतलब एक सिंगल स्ट्रक्चर बनेगा दोनों को कंबाइन करके, ठीक है। नेक्स्ट आता है सर्कुलर टैंक विद फ्लेक्सिबल ज्वाइंट। तो हम लोग स्टेप्स देखते हैं कि सर्कुलर टैंक विद फ्लेक्सिबल ज्वाइंट्स हम लोग कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप आता है हम लोग का इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर निकालना, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू W इंटू H। W क्या है, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर जिसकी वैल्यू होती है 9810, और H क्या है आपका इफेक्टिव डेप्थ है, ठीक है। H यहाँ पे क्या है आपका, ये H क्या है, इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। H क्या हो जाएगा आपका टोटल डेप्थ माइनस फ्री बोर्ड, ठीक है। तो यहां पे एक टर्म आया फ्री बोर्ड, टर्म क्या आया, फ्री बोर्ड। तो ये फ्री बोर्ड क्या होता है, तो फ्री बोर्ड एक समझ लीजिए एक स्पेस है जो हम लोग वाटर टैंक के केस में बनाते हैं, ठीक है। एक सर्टेन हाइट होती है, ये हाइट क्यों प्रोवाइड करते हैं, ये प्रोवाइड किया जाता है आपका सेफ्टी पर्पस से। सबसे पहला कि वाटर टैंक जब हम वाटर फिल कर रहे हैं तो वाटर उस ओवरफ्लो ना हो जाए या फिर पानी बाहर ना आए इसकी वजह से। सेकंड, अगर उस पर्टिकुलर टैंक में अगर कोई गिर जाता है या कोई इंसान काम करते हुए फंस जाता है तो वो जो स्पेस हम लोग छोड़ते हैं फ्री बोर्ड, वहाँ पे फ्री ऑक्सीजन होता है, उस फ्री ऑक्सीजन को लेके वो पर्टिकुलर इंसान कुछ देर तक जीवित रहेगा और उतने देर में उसकी हेल्प हो सकती है, ठीक है। सेकेंड कंडीशन आपका आता है हुप टेंशन, ठीक है। सेकेंड कंडीशन, सेकेंड स्टेप क्या है आपके, हुप टेंशन। तो इसका फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू डब्ल्यू एच डी बाई टू, वेयर W इज द स्पेसिफिक यूनिट वेट ऑफ वाटर, H इज इफेक्टिव डाइट हाइट, D इज डायामीटर ऑफ वाटर टैंक और T इज अ हुप टेंशन। नेक्स्ट AST, एरिया ऑफ स्टील। तो एरिया ऑफ स्टील इज इक्वल टू T अपॉन सेफ स्ट्रेस इन स्टील, सेफ स्ट्रेस इन स्टील। तो इस तरह से हम लोग एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे। तो एरिया ऑफ स्टील से क्या करेंगे कि हम लोग सुटेबल डाया देके नंबर ऑफ बार्स और स्पेसिंग फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ बार्स का फॉर्मूला होता है कैपिटल AST अपॉन स्मॉल AST। स्मॉल AST इज इक्वल टू होता है पाई बाई फोर इंटू फाई स्क्वायर। फाई क्या है, डाया ऑफ बार्स है, क्या है, डाया ऑफ बार्स। इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ बार्स निकालते हैं, ठीक है। तो एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, नंबर ऑफ बार्स इज इक्वल टू AST अपॉन कैपिटल AST अपॉन स्मॉल AST। स्मॉल AST इज इक्वल टू पाई बाई फोर इंटू फाई स्क्वायर। फाई इज द डाया ऑफ बार्स, कैपिटल स्टील इज द एरिया ऑफ स्टील, ओके। नाउ फॉर स्पेसिंग, स्पेसिंग कैलकुलेट करने के लिए स्पेसिंग इज इक्वल टू पाई बाई फोर डी फाई स्क्वायर इंटू 1000 अपॉन AST। इस तरह से हम लोग स्पेसिंग निकालते हैं, पाई बाई फोर फाई स्क्वायर इंटू 1000 अपॉन AST। इस तरह से स्पेसिंग निकालेंगे। अब स्पेसिंग एरिया ऑफ स्टील के लिए एक चेक है, द अमाउंट ऑफ स्टील प्रोवाइडेड शैल नॉट बी लेस देन 0.3% ऑफ द ग्रॉस एरिया BT फॉर 1 meter ऑफ डेप्थ। मतलब एक मीटर डेप्थ के लिए आपका एरिया ऑफ स्टील क्या होगा, 0.3% से कम नहीं होना चाहिए। ग्रॉस एरिया B इंटू T होगा, B हम लोग क्या लेंगे 1 meter और T आपका थिकनेस, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है थिकनेस ऑफ वॉल हम लोग कैसे प्रोवाइड करेंगे। तो थिकनेस ऑफ वॉल इज इक्वल डिपेंड्स अपॉन टू कंडीशन, वन इज कॉन्स्टेंट 150 mm, सेकेंड इज अ 30 mm पर मीटर डेप्थ प्लस 50 mm। तो इन दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यूज होगी उसको लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, थिकनेस ऑफ वॉल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आता है चेक फॉर टेंसाइल स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट में टेंसाइल स्ट्रेस हम लोग कैसे चेक करते हैं, तो CT जो होगा, मतलब CT यहाँ पे है टेंसाइल स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट, वो आपका
1.2 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम आना चाहिए, ठीक है। अगर वो ज़्यादा आता है तो मतलब आपका टेंसाइल स्ट्रेस कंक्रीट में ज़्यादा आ रहा है, उसको हम लोग को रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। लेकिन अगर 1.2 से कम आ रहा है तो वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो सी टी निकालने का फॉर्मूला है टी अपॉन ए प्लस एम माइनस वन ए एस टी। टी क्या है आपका हूप टेंशन, ए क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू बी इंटू टी विड्थ इंटू थिकनेस ऑफ वॉल। एम इज इक्वल टू मॉडुलर रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है 280 अपॉन 3 सिग्मा सी बी सी। और ए एस टी क्या है आपका, ए एस टी है एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील, ठीक है। नेक्स्ट वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टील, तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टील क्या होता है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इज इक्वल टू 0.3% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक सुटेबल डाया प्रोवाइड करके नंबर ऑफ बार्स एंड स्पेसिंग फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ बार्स एंड स्पेसिंग फाइंड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका बॉटम स्लैब, तो बॉटम स्लैब के लिए सबसे सिंपल क्या, आप स्टेटमेंट लिखेंगे प्रोवाइड 10 mm डाया बार्स एट द रेट 250 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल देखते हैं कि न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। डिजाइन और सर्कुलर टैंक रेस्टिंग ऑन फॉर्म ग्राउंड टू द फॉलोइंग पैरामीटर्स, ठीक है। फर्स्ट डाया ऑफ टैंक इज 3.5 meters, डेप्थ ऑफ वाटर टैंक 3 meters, द वॉल एंड द बेस स्लैब आर नॉट मोनोलिथिक विथ ईच अदर। फोर्थ स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इज 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब, यूज M25 एंड Fe415 स्टील। तो सबसे पहले हम लोग थिकनेस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो थिकनेस ऑफ वॉल इज इक्वल टू 150 mm एंड सेकेंड इज 30 × 3 + 50 इज इक्वल टू 140 mm। तो दोनों में से हम इन दोनों में से क्या करते हैं कि आपका इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं तो थिकनेस कितनी हो गई, 150 mm हो गई, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि फ्री बोर्ड प्रोवाइड कर दे रहे हैं, ये अज्यूम फ्री बोर्ड कितना हो गया 0.5 meters या 500 mm। तो आपकी इफेक्टिव डेप्थ कितनी हो गई, 3 - 0.5 इज इक्वल टू 2.5 meters, ठीक है। कंसीडर 1 meter हाइट ऑफ वॉल, 1 meter हाइट वॉल हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो प्रेशर इंटेंसिटी P इज इक्वल W इंटू H, तो 9810 इंटू 2.5 इज इक्वल 24525 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हमारा प्रेशर इंटेंसिटी निकल गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हूप टेंशन, तो हूप टेंशन के लिए फॉर्मूला क्या था, T इज इक्वल टू डब्ल्यू एच डी बाई 2। तो डब्ल्यू एच को हम लोग P भी तो लिख सकते हैं, तो यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा P डी बाई 2। तो यहाँ से हम लोग T इज इक्वल टू पी डी बाई 2 कैसे आए, ये समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं T इज इक्वल पी डी बाई 2, तो P की वैल्यू यहाँ रखें, D आपका 3.5 है, 42919 न्यूटन आपका हूप टेंशन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट A स्टील रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे हम लोग सेफ स्ट्रेस आपकी वैल्यू हो गई 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो AST इज इक्वल टू क्या होगा, T अपॉन सेफ स्ट्रेस, ठीक है। तो आपका हो गया 42919 अपॉन 150 इज इक्वल टू 373.2 mm स्क्वायर। और हम अब चेक करेंगे, तो मिनिमम स्टील क्या होता है हमारा, मिनिमम स्टील होता है, मिनिमम स्टील हम लोग इसके पहले पढ़े हैं, होगा 0.3% ऑफ बी इंटू टी। बी क्या है, 1 meter है, तो ये आपका 1000 mm हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग मिनिमम स्टील निकालेंगे, तो मिनिमम स्टील कितना होगा, 0.3 upon 100 इंटू 1000 इंटू 150 इज इक्वल 450। अब यहाँ पे हम जो देख रहे हैं, जो हम लोग ए एस टी कैलकुलेट किए हैं, वो हमारा मिनिमम स्टील से कम है। तो हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे, आपका मिनिमम स्टील प्रोवाइड करेंगे, क्या प्रोवाइड करेंगे, मिनिमम स्टील प्रोवाइड करेंगे। तो मिनिमम स्टील हमारा क्या हो जाएगा, ए एस टी इज इक्वल टू 450 mm स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे 10 mm डाया दे देंगे, टेक डाया ऑफ बार्स इज इक्वल टू 10 mm,
ठीक है, 10 mm डाया प्रोवाइड कर दिए, तो हम लोग क्या करेंगे, स्पेसिंग फाइंड करेंगे, पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू 1001 ST, तो स्पेसिंग आ गया 174.53 mm, तो इसको हम लोग 175 mm ले लेंगे। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट लिखेंगे, प्रोवाइड स्टेटमेंट यहाँ पे ये होगा, प्रोवाइड 10 mm डाया बार्स एट द रेट 170 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ठीक है, इस तरह से हम लोग स्टेटमेंट लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चेक फॉर टेंसाइल स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट। टेंसाइल स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट हम लोग चेक करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है सी टी इज इक्वल टू टी अपॉन ए प्लस एम माइनस वन ए एस टी। ए क्या है आपका, बी इंटू टी है, ए क्या है, ए इज इक्वल टू बी इंटू टी, बी क्या हो जाएगा 1000 और टी आपका हो जाएगा 150 mm। ठीक है, यहाँ से हम लोग सी टी निकालेंगे, तो 42919 अपॉन 1000 इंटू 150 प्लस 13.33 माइनस 1 526.7 AST is equal to 0.27 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो ये आपका 1.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम है वैल्यू। ओके, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब हम लोग वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे, तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, 0.3% ऑफ ग्रॉस एरिया, तो 0.3 अपॉन 100 इंटू 150 इंटू 1000 इज इक्वल 450 mm स्क्वायर। अब प्रोवाइड 10 mm डाया बार्स एट द रेट 300 सेंटर टू सेंटर नियर ईच फेस, ये हम लोग का स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो लास्ट स्टेप है वो क्या है आपका, बेस स्लैब है। बेस स्लैब में हम लोग क्या लिखते हैं, 150 mm थिक स्लैब विथ 10 mm डाया एट 250 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो ये आपके टोटल स्टेप्स थे और न्यूमेरिकल था, जिस एक सर्कुलर ज्वाइंट विथ सर्कुलर टैंक विथ फ्लेक्सिबल ज्वाइंट। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिजिड सर्कुलर टैंक विथ रिजिड कनेक्शन के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सर्कुलर टैंक विथ रिजिड कनेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिजिड ज्वाइंट रिजिड कनेक्शन के बारे में बात करेंगे। ओके ओके क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द रिजिड कनेक्शन। ओके, थैंक यू।